नजरन आवाज़ टीवी के प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अवां के भलीकार नजरन चूंड जो चहचटो जारी आहे चूंडन में हाँ तमाम तेजी अची वही है चूंड मुहिम में तेजी अची वही समूरी पार्टियों जलसन के मथा जलसा कर रहा है कॉर्नर मीटिंग्स आन सोशल मीडिया सारी भरी पई है हर का पार्टी दावा करे पई तो अस हाँ इन इलेक्शन में खटूँ पाया सीजर हर पार्टी हर उम्मीदवार चवंद खटो केर तीन ना चवंद अस ना खटूँ पर हुकूमत ठाण के हवाले से जो मेजर बल पार्टीज हैं वह नून लीग पीपल्स पार्टी उन्होंने दावा है उन्होंने जै तरीके से जलसन में बुधा वे पो तो चवन था अस हुकूमत ठाईंदी नून लीग की पैं कोशिश नून लीग में नून लीग के हाँ पंजाब में जलसा वा वा थन पा अज नवाज शरीफ साहब जलसो बिलावल मुल्तान में वो जलसो किया अज इन हवाले से मिशन पंजाब असरायते नमूने से उनो जारी है पी एम एल एन नून उनके फॉलो करे पी उनमें जो है काफ़ी तेजी अची वही पीटीआई में पीटीआई जहाँ जो उम्मीदवार पीटीआई में अज वही अहम जो तब्दीली आई है तब्दीली से जो डेवलपमेंट थी है पाकिस्तान में वह चौधरी परवेज लाई जो सूबाई असेंबली के गुजरात में सीट से इलेक्शन विड़े पो सनम जावेद जो जे लाहौर में मरियम नवाज के सामू कौमी असेंबली के उम्मीदवार एन ए शायद एन एक्स उणी उनते सनम जावेद जा फार्म बहाल थी वह कोर्ट बहाल कर छाया वही एक डेवलपमेंट है वही सनम जावेद वेरी पॉपुलर लाहौर में तमाम घनी पॉपुलर है पंजाब में खास तौर पर लाहौर में वही पॉपुलर है इमरान खान की पार्टी में होंगी हुई उनके नौ मई के हवाले से गिरफ्तार किया वो पर हिंसर जेल में है उतना वो इलेक्शन विढ़ी उनको फार्म बहाल थे ये बड़ी डेवलपमेंट आन समझा तो पंजाब की पॉलिटिक्स में खास तौर इन तकन में जो वो इम्पैक्ट पवन कुछ भी सके तो इन तकन के हवाले से जितोणीक नून लीग में मरियम नवाज एन एस बसौ उणी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार है पर ही काफ़ी कंटेंट थी बी जगह पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी है वह थी है सैफुल्ला अबड़ो साहब जो पीटीआई सैनेटर लाड़काने में उन्होंने मुलाकात कई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात का जो लाड़काने शहर वो तक है एन ए 194 है इतने साथ दियण जो ऐलान किया तो गदजी जो पीटीआई पीपल्स पार्टी है वो गदजी शींह जो मुकाबलो कंदा या पंजी अपोजिशन जो मुकाबलो कंदा यह वरी डेवलपमेंट है यह पीटीआई सा या फॉर्मल पहरी जो सेनेटर है जै इन तरीके से ऐलान किया खबर ना में पीटीआई जो पार्टी है एज अ पार्टी उनको केतरो इन्वॉल्व है उनके तरफा थो है ना थो इन अस ाली ब शूँ बन अस प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली शेयर कंदो यो तो नून लीग की हुकूमत पी डी एम की हुकूमत जी हुई उन्होंने किसान पैकेज जो ऐलान किया हो 1800 अरब रुपये जो उनते केतरो अमल थो ऐसी पर बी भी जो सिंध हुकूमत निगरान सिंध हुकूमत एक कमेटी ठाई है जैमें सिंध में सनतन के हथी वठाने लाए वो कोशिश कन पाया उन कमेटी ठा छी है इन ज मुख्तलिफ पासन से असे प्रोग्राम में कदासी तवासा गाल बोल असा पैनलिस्ट भी असा गुड मौजूद हूँ सैनेटर सैफुल्ला अबड़ो जो एक बो मामलो नाजरन थे सैनेटर सैफुल्ला अबड़ो के पीटीआई तरफा शोकाज नोटिस जारी थी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करण में मुलाकात करण बाद जो विड्रॉ किया पीटीआई यो नोटिस जारी करे पुछा कई है सैफुल्ला अबड़े का तो तुम पार्टी की मर्जी का सवा पेरी गाल कि विड्रॉ कर मुलाकात छो कई तेज कारण ही मामलो थोड़ो वधंदो वञे पियो सैफुल्ला सबड़ो पैंजी सीट बचाए सकंदो यो जाहिर है नओ सैनेटर है सैफुल्ला अबड़े साहब की खबर को तो दुनिया में उथबो सियासी तौर पर उथबो वेबो क्यों है बरा रू जो पार्टी चेंज करना चाहे तो वो भी संदस राइट है बिलावल से मुलाकात थी है उन्हें जाहिर विड्रा पैंजा कया तो मुस्तबिल को ठीक नजर नो अचे अस सैफुल्ला अबड़े साहब से कोशिश कई सी गाल बोल करण की पर उन्होंने फोन बंद कर छाया शायद जवाब देने उन्होंने कुछ को पर फिलहाल यो गाल बोल क्यों था पीपल्स पार्टी के वो फायदों जैसे सैफुल्ला अबड़ो उतने सपोर्ट करे तो मुझे जॉइन किया है रशीद समो अस रिपोर्टर लाड़काने में लाड़काने में रशीद लाड़काने में सूरत हाल भिंदी सैफुल्ला अबड़े जो यो सपोर्ट कई है बिलावल के एन ए 194 से तेज फर्क नजर अचे तो समझा तो मोहसिन साहब जो सैफुल्ला अबड़े सैनेटर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर में अज मिलो है मुलाकात कई है हित 194 इतने लाड़काने जो तबको उतने ही सैफुल्ला जो पुट है मीर मुजम लबड़ो उन नॉमिनेशन फॉर्म भरा हो उनते एतराज भी थे वो वो हाईकोर्ट में वो हो अपील लाए वरी हाईकोर्ट में
उनको फॉरम जो वो बहाल उन सैफुल्ला के अड़े की हिमायत हु बिलावल भुट्टो जरदारी की करे या न करे पर उनको को फर्क को पवो छो तो सैफुल्ला अबड़े 2012 में और 2018 में पो पी एस जो बारह है जिते सोहेल अनवर चाल उन मुकाबलो पो हो जिते उन शक 7000 वोट थिया उते जो है जी डी ए जो उम्मीदवार अकबर शाह राशिदी हो उन 20000 के लगभग वोट वोट थिया छो तो सैफुल्ला अबड़े जो वोट है वो उते नज के बराबर है। लाड़काने में भी सैफुल्ला अबड़े की गाल कजे तो सैफुल्ला अबड़े जे जे मू बी रहा हा बलजाती इलेक्शन में उन मैक्सिमम 300 का 400 या 500 या 1000 के लगभग वोट थिया को एडो वोट बैग ना है सैफुल्ला अबड़े जो पर रशीद पर ज़ारा ॾिसो इन इलेक्शन में तो पीटीआई की हिकड़ी वॾी विकेट तो किरी पई आहे इहो तो ज़ारा हिकड़ो लाड़काने जे हवाले सां ऐं सिंध जे हवाले सां त वॾी ज़रूर ख़बर आहे त पीटीआई जो सैफुल्ला अबड़ो जेको आहे वो या तो पीपुल्स पार्टी में शमूलियत कंदो या तो जो भी विड्रॉ किया है तो इन सा ज़रूर पॉलिटिकल सियासी फायदो तो पवंदो पीपुल्स पार्टी बुधाया तो हि पीपुल्स पार्टी में अगमें भी रही चुको है सैफुल्ला अबड़ो को वही पीपुल्स पार्टी के अलविदा कर 2018 में सोहेल अनवर चाल से मुकाबलो कर जनरल इलेक्शन में पर को भी अड़ो को फायदो को पवो छो तो सैफुल्ला अबड़े जो खास इत लाड़काने में छो तो पुरानो उनको सचल इताद ठहल हो उन टाइम जो है मुख्तलिफ जे कुछ मू हुआ उन गड उन इताद का मुख्तलिफ वक्त पार्टी में रो आयो है मुख्तलिफ पार्टी में उनो ही वही पीटीआई में अची वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अचण का भी हि जे बलदियाती इलेक्शन हुए या जनरल इलेक्शन 2018 वाली हुए भी को खास जो है उन को वोट न खाया हा पर हाँ भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात कई है बिलावल भुट्टो जरदारी जो एन ए 194 वो तख्त है उते इनको सैफुल्ला अबड़े जो पुट है मीर मुजम्मिल वो जो है उम्मीदवार हो उन पांजा नॉमिनेशन फॉर्म भराया उनको बिरादर है उन भी पांजो इते फॉर्म भराया सैफुल्ला अबड़ो पान फॉर्म भरा हो इन तक उनके पुट जो है फॉर्म भरा जिन अज बिलावल भुट्टो जरदारी से उन लाहौर में सैफुल्ला अबड़े मुलाकात कई है मुलाकात का जो जाहिर गाल है हाँ तो वर्क न कह जी हूं भी जे इन का अड़ी सैफुल्ला अबड़े के भाईर की या सैफुल्ला की जी इलेक्शन जो ऐलान थो हो अड़ी का वर्क उन हूं भी नजर को पी अचे या मुख्तलिफ हंधन के कारण गर्जानी भी होजन या अड़ी का एक्टिविटीज हुए उ नजर को पी अचे जी पर पीपुल्स पार्टी में तो खैर उनकी सैफुल्ला अबड़े साहब की वापसी थी तो फर्क पवो तो लाड़काने की ओवरऑल जो सीटू हैं वो उत उत गहमा गहमी हिंसर है लाड़काने शहर वाली सीट से वो तमाम अहम तक है पीपुल्स पार्टी के लिए बाकी उम्मीदवार के लिए भी बिल्कुल साहब हाँ तमाम वही चैलेंज बनल हो पी एस 11 में 2018 वाली इलेक्शन में छो तो निसार अहमद खोड़े जहाँ जे फॉर्म रखा निदा खोड़ो हो उन भी हारा उन भी जो है 11000 की लीड से हारा उन मौज़म अब्बासी जो है इन वक्त सोहेल अनवर सियाल से उनको मुकाबलो है पी एस उ 12 है पी एस 12 से मौज़म अब्बासी सोहेल अनवर सियाल जो तमाम वो मुकाबलो छो तो सोहेल अनवर मौज़म अब्बासी की गाल कजे तो मौज़म अब्बासी बेरा लाड़काने में एम एन ए जो है एम पी ए इतना पी एस 10 वाली सीट तक जिता हाँ जमील अमन सुमरो है उतां ही खटे चुको है इन वक्त भी पी एस 10 से भी मुकाबलो है पी एस 10 से इन के मुकाबलो है तो पी एस 10 त मौज़म अब्बासी जो भाव है काज़िम अब्बासी उन भी इतने पो दफा एम पी ए थो मौज़म वो हाँ उम्मीदवार है इतने पी एस 10 से जो वो मुकाबलो है वो पी एस 12 से है छो तो मौज़म अब्बासी जो है ढी रात मुख्तलिफ वक्त वर्कू करे पो सोहेल अनवर सियाल भी करे पो पर अज की जी सूरत आल है जो पीर पागारे जो पुट है पो राशिद शाह जो है वो अज उन समय तो उन भी मौज़म अब्बासी से गजी मुख्तलिफ गोठन में कानून गजानी कई वन मुख्तलिफ हंधन से जो इन वर्क हले पी इं पीपुल्स पार्टी के सोहेल अनवर सियाल की भी हले पी बाकी जो अग में जो मौज़म अब्बासी के थोड़ो घो वोट की जे घट वो पवंदा छो तो उनकी वजह यहा हुई जे उनर बिरादर था जी आदिल उनर हो रशीद तीन डिटेल में असो है सीट से कें
पीपल्स पार्टी जे मुकाबलो जरूर थींदो पर पीपल्स पार्टी जो पलड़ो भारी आहे। सैफुल्ला अबड़ो जेको आहे उनजो बि हुन ॿुधायो त रशीदा ॿुधायो त 7000 खन वोट 2018 में खयां हुआ त इहे वोट बि काउंट थियनि था, थोरा थोरा वोट बि काउंट थियनि था, पर एज़ ए होल सैफुल्ला अबड़े जी का एॾी का हैसियत नाहे जो तमामु घणा वोट हिकिड़ो वॾो नंबर ॾेई सघे, पर ज़रूरु मल्टीप्लाई वोट जेके आहिनि उहे बिलावल खे थी सघनि था इन एन 194 ते। राजन वठूं था हिकिड़ो ब्रेक, ब्रेक खां पोइ हिकिड़े ॿिए मामले सां तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक, असां हाणे हिन सां ॻाल्हाईंदासीं। निगरान सिंध हुकूमत पारां हिकिड़ो नोटिफिकेशन जारी कयो आहे, नोटिफिकेशन में ठाही वई आहे जंहिं कमेटी जो नालो ॾिनो आहे सिंध इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एंड फेस्ट कमेटी, माना सिंध में सनतकारी खे हथी वठण लाइ ऐं जेके सीड़प आहिनि उन्हनि खे फैसिलिटेट करण लाइ उन्हनि जी सहूलतकारी लाइ हीअ कमेटी ठाही वई आहे। हीअ कमेटी क़दम त सुठो आहे, सिंध में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन थियणु घुरिजे, हिन में बिना कुझु इन खां सवाइ ॿियो को रस्तो बि न आहे, छाकाणि त जे तरीक़े सां असांजी इकॉनॉमी सिंधी थिए पई उन सवाइ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन खां ॿियो को रस्तो कोन्हे, पर छा इहा कमेटी, छा इहो अमल लाभाइतो साबित थींदो ऐं केतिरो हुनजो फ़र्क़ु पवंदो? मूंखे जॉइन कयो इस्लामाबाद मां तज़ी निगार, अॻुणा फेडरल सेक्रेटरी आहिनि फज़ला कुरेशी साहब। कुरेशी साहब वॾी महिरबानी तव्हांखे जॉइन कयो। कुरेशी साहब, हीअ तव्हां ॾिठी हूंदी आहे कमेटी ठही आहे या केतिरी असराइती साबित थी सघे थी? कंपोजिशन जेका आहे पहिरीं ॻाल्हि टू लार्ज 26 मेंबरनि जी कमेटी आहे जंहिंमें 9 गवर्नमेंट सर्वेंट्स आहिनि जंहिंजो इंडस्ट्री सां कोई वास्तो कोन्हे, जस्ट दे आर बिकॉज दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इहे सभु ट्रांसफरबल हूंदा ऐं इहो माण्हू को बि हिन में परमानेंट माण्हू कोन्हे जेको कमेटीअ में वेहंदो। इन खां पोइ 2 वाइस चांसलर आहिनि, मां नथो सम्झंदो त वाइस चांसलर हिन कम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में ई कंदा। इन खां पोइ बाक़ी जेके आहिनि से नुमाइंदा आहिनि पंहिंजे साइट जा रिप्रेजेंटेटिव आहिनि, 10 मुख़्तलिफ़ साइट्स आहिनि, कुझु कराचीअ जूं, कुझु इंटीरियर सिंध जूं जंहिंजा आहिनि ऐं ॿिया जेके आहिनि चेंबर एम्बरनि जेका, मतिलबु आहे त कोई बि प्योरली इंडस्ट्रियलिस्ट बाए न कोन्हे जेको इन कमिटीअ खे एंकर करे अॻिते हलाए सघे, या जीअं जेके पंहिंजो स्टॉक मार्केट जा जेके हूंदा आहिनि माण्हू जेके हिन में डील कंदा आहिनि उनजो बि कोई रिप्रेजेंटेटिव कोन्हे। त इहा कमेटी जेका बि आहे, बहरहाल हिकिड़ो तव्हां वारी ॻाल्हि त हिकिड़ो क़दम आहे, हिकिड़ो स्टेट फॉरवर्ड आहे। त हिन कमेटीअ वटि आहे छा, ऐं सिंध गवर्नमेंट जे चाहे बि इंडस्ट्रियलाइज़ छा ॾेई सघंदी? हिन वक़्तु इशू इहो आहे त तव्हां वटि इंफ्रास्ट्रक्चर जी कमी आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर जंहिंमें तव्हांजो गैस आहे, अवांजी बिजलियूं, अवांजे गैस जी क़ीमत आहे, तव्हांजी बिजलीअ जी क़ीमत आहे, तव्हांजी फाइनेंसिंग जी त ख़ुदि जेका आहे असां फाइनेंस मिनिस्टर चयो त बाबा 25% पैसनि ते का बि इंडस्ट्री या का बि इंवेस्टमेंट या को बि बिज़नेस न करे सघंदव। इहे सभु ॻाल्हियूं सिंध जे गवर्नमेंट जे इख़्तियार में कोन्हनि। सिंध पंहिंजो गैस बि इस्तेमालु कोन सघे पई, माना गैस जी तव्हां वटि परमानेंट शॉर्टेज आहे, तव्हां वटि गैस लोड शेडिंग पंजाब खां वधीक आहे, इलेक्ट्रिसिटी तव्हांजी एतिरी महांगी आहे जेतिरी ॿिए हंधि मुल्क जी महांगी आहे। का बि इंडस्ट्री जेकर चोरी न करे त तव्हां इंडस्ट्री तव्हांजी प्रॉफिट तव्हांजे जेके जेके तव्हांजा मुक़ाबले में इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि, एक्सपोर्टर्स आहिनि, जंहिंमें बांग्लादेश हुजे या वियतनाम हुजे या इंडिया हुजे या चाइना हुजे, त तव्हां वटि इनपुट कास्ट उन खां वधीक आहे। असल इशू एड्रेस करणा आहिनि जेके आहिनि फेडरल गवर्नमेंट खे, माना गैस ऐं गैस जा रेट, बिजली ऐं बिजली जा रेट, बैंकिंग बैंकिंग सहूलियतूं ऐं बैंकिंग जा राइट, पोइ थी अचे पई तव्हांजी ॻाल्हि त पोइ तव्हां छा कंदव। न कुरेश साहब, मुंहिंजो सवाल हिन में थोरो फर्दर आहे। इन्हनि इहे इशूज़ तव्हां आइडेंटिफाई कया आहिनि, इहे बिल्कुलु ईअं ई आहिनि, पर इहा जेका कमेटी एॾी वॾी ठाहिणी वई आहे, इहो जेको एॾो ब्रिलियंट आइडिया आहे, कोट एंड कोट ब्रिलियंट आइडिया जी ॻाल्हि पियो कयां, हेॾी वॾी कमेटी ठाहिण ऐं उनखां पोइ छा माना इंडस्ट्री जेके माण्हू खे मूंखे इन्वेस्टमेंट करणी आहे त मां हिन में कहिड़े माण्हू सां राब्तो कंदुसि? कंहिंसां पंहिंजो VC साहिब सां राब्तो कंदुसि, NED जे VC साहिब सां या IBA कराची जे VC साहिब सां राब्तो कंदुसि? सो इहो हिनजो प्रैक्टिकल ठाहिणु, इहो मूंखे सम्झ में नथो अचे, बाक़ी सभु शयूं पंहिंजा ॾिसो न। हाणे प्रैक्टिकल हूअं बि जेके इंडस्ट्रियल हूंदा सेक्रेटरी गवर्नमेंट खे रेफर कंदा, हिन कमेटीअ जो सेक्रेटरी जेको आहे सो सेक्रेटरी इंडस्ट्री सिंध आहे, माना ऑब्वियसली हब हुते ई आहे, जेका तव्हांखे रेफर करिणो आहे पंहिंजा इशूज़ आहिनि त उन वटि शुरू थींदी। अॻे बि ईअं ई हूंदो, हाणे कोई अहिड़ी का नई ॻाल्हि कोन्हे त नई ॻाल्हि थी त उनखे ई तव्हां रेफर कंदो, पर असल ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु नई इंडस्ट्री ते पंहिंजे जाइ ते रहियूं, जेके तव्हांजी पुराणियूं सिक इंडस्ट्रीज़ आहिनि जेके सिंध में 50% आहिनि,
तवाजू जेके 50% सिख इंडस्ट्रीज हैं जेके नथियो हलन जेंजा वेरियस रीजंस हैं तो उन्हें ये रिवाइवल करण जो केड़ो रोल आ उन्हें रिवाइवल किए थी उन्हें जी केड़ो स्टडी कंदो तो रिवाइवल करे के ही तो जका गाल कंदा सा तो नई इन्वेस्टमेंट जी गाल ता कन फैसिलिटेशन जी गाल ता कर पर जेके मकसद ये जो जेको वो गाल कोन ता कन पे कुरेश साहब जेकर जिन जो मकसद यो खणी सकजे तो या जो फेडरल लेवल से SIFC ठाई वही स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल उन्हीं जो कोई ऑफशूट तो ना है उन्हीं के फैसिलिटेट कर ला हिते का जगजार ब्यूरोक्रेटिक कार्रवाई जगह पूरी करनी होंगी उतां के प्रपोजल अचन पो इन कमेटी के थ्रू प्रोसेस क्या वन यो मुमकिन है तो यो उन लाइ ठाई वही हुए वो तो थी सके तो पर वो पान कमेटी इतनी पावरफुल है वो पा मसला पा हल कर सकी थी आई डोंट डाउट नो तो एक उन मदद कर सकना हे वरी पांजे डायरेक्शन में वेंदा छक हुन जे डायरेक्शन जे हुंदा उन्हें जे डायरेक्टर्स के हल कर ला कोई 26 मानू कोन वेंदा अने कोई 26 मानू वट कुछ है तवा दिसो ता ट्रैक रिकॉर्ड सुन ता जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स से जे के ठयो पहली गल दा जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जे अज कोन पर 20 साल को जे के ठयो पयो जे में टंडे मोहम्मद खान में भी हो त जो भिक्षा में हुयो त बियो रांची में हुयो त सखर में भी हुई तो लाड़कर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट तुम सब बंद थी फेल थी तो इंडस्ट्रियल पार्क ठाया इंडस्ट्रियल पार्क भी को हलिया या मां 80s 70s 90s की गाल तो क्या इंडस्ट्रियल पार्क को वरी भुट्टे साहब के जमाने में 70 में तो याद हों तो लाड़काने में हाई नमूने की इंडस्ट्रियलाइजेशन थी जैमें इंटीग्रेटेड मिल आई शहदादकोट में तीबी एक मिल लगी लाड़काने में वूलन मिल लगी लाड़काने में नवाबशाह में मिली लग सब पटिजी व्यू इन अचो तुम नूरियाबाद से नूरियाबाद में मुझे ख्याल है 50-60 वड़ी वड़ी इंडस्ट्रीज हूँ पर लार्ज लार्जर सिचुएशन के करे इंफ्रास्ट्रक्चर उत्ते भी न हली सको तब इन शयन के एड्रेस कर ना लार्ड ऑर्डर के एड्रेस कर फाइनेंसिंग के एड्रेस कर उन्हें एड्रेस कर ला तहां वट को हली कोने उन्हें ला तहां का गाल के वो चवंदा था असा सेक्रेटरीज इनमें सेक्रेटरीज सब रख्या है जेके ये एसोसिएटेड मसला है वो इन कमेटी में अच्छी मसला हल कंदा वो सेक्रेटरी रेवेन्यू जो वही ब्या सब में शामिल है न सेक्रेटरी रेवेन्यू इन में छा कंदो गाल या तो जो तवा के जमीन मिली जो इंडस्ट्री मिसाल तो खैरपुर की लेटेस्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट जो ठही सा खैरपुर में ठही उनमें भी ऐसो घणी इंडस्ट्री लगन जो कायम अली शाह के जमाने में से उनके तो गुड 20 years अगो तारे ये जो गाल से तुम हल ही को थन पे सो उन गाल जैसे एड्रेस ही को प्रेजेंट इश्यू के एड्रेस ही को प्रॉपर सर्वे कर बुझाओ पुछो मकसद मुख्तलिफ है सही गाल बुधो मां समझा तो ये सब शो पीस है इन जो हकीकत से कोई वास्तो को नहीं हकीकत जो के एड्रेस जो के मु इशू चा उने के को भी मानु एड्रेस कर ले तैयार को नहीं ता वट ट्रेंड लेबर को नहीं ता वट लेबर जो को सो ता हाने अनट्रेंड थियो वो ता ट्रेंड लेबर को नहीं अमा वट जो को सो इंडस्ट्रियल कल्चर को नहीं ता वट जो को सो लैंड ऑर्डर सिचुएशन ए गोठी बी ताई खराब है किथे भी ता जो सेफ सिक्योरिटी को नहीं जी मु ता के जो इंडस्ट्रियल हब में लगल इंडस्ट्री जो पटी हुई लगल इंडस्ट्री बंद थी आयु तट फाइनेंसिंग जो अरेंजमेंट्स को तट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को भले बोर्ड टाओ या कमेटी टाइट ब महीना आया उनमें कमेटी करे या न करे कही नई गवर्नमेंट थोड़ी आ इन कमेटी की हल्दी नई गवर्नमेंट जो प्रायोरिटीज गाल पर ये पे कारकर्दगी देखने के लिए या कें न कें इदार में पा सुरखो कर जै मतलब ला आंदा वह मू वो ये सब करे रहा हैं लेट देम सी द रिजल्ट्स किथे ठीक सही वरी मेहरबानी फजल अकबर साहब नाज़रीन फजल अकबर साहब जो यो ओपिनियन आहे त ही शोकेस आहे इन कमेटी जो को फायदो कोन थींदो जेतोणीक जेकर इन मां कुझु निकिरे त पोइ ॾिसंदासीं नई गवर्नमेंट ईंदी त उहो पंहिंजो नयूं प्रायोरिटीज़ तय कंदी थी सघंदा या कमेटी एॾी इफेक्टिव न रहे बहरहाल ही कुरेश साहब जो ख़्यालु हो गवर्नमेंट इहा ठाही आहे नोटिफिकेशन कयो नज़र वठूं था हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ ॿिए मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं ये नाज़रीन वेलकम बैक हाँ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में असा गाल्हाईंदासीं हिकड़ी याद दहानी कराने की कोशिश कयूं था त
प्राइम मिनिस्टर जैसे शहबाज शरीफ हुआ पीडीएम गवर्नमेंट में तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे मुल्क की ज़रात लाए 1800 अरब रुपए जो 1800 अरब रुपए जो पैकेज जो अनाउंस किया जैमें हारे के लिए पैकेज हुआ कर्ज हुआ बी इलाही सारियों सहूलतों जो ऐलान किया वो हो वो पैकेज कैदा वो वो नून लीग पारा यो पैकेज जो अनाउंसमेंट करण उन महल न उन अमल कर सकया तो एडो वो रिस्क खड़न पॉलिटिकल रिस्क खड़न की कड़ी जरूरत हुई अमल दरामद थो उन न थो इन मामले से गाइंदी ए ज़रात के केतो फायदो दिनों मूसा गुड मौजूद हैं तजयनगार एग्रीकल्चरिस्ट बन एजाज निज़ामानी साहब असें जॉइन कर निज़ामानी साहब थैंक यू वेरी मच तुम जॉइन कर निज़ामानी साहब यो तुम्हारी नज़र में ये शूं गुजरी होंद 1800 रुपये जो 1800 अरब रुपये जो पैकेज वो कैदा बेसिकली सियासी माहौल में पैकेजिस खास तौर से एग्रीकल्चर पैकेज तो कें हद ते अमल थे पो वो आगे अर्ज कर अंग्रेजी में चौंदन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल तो बेसिकली जेके भी स्टेट बैंक के तरफा बैंकों के जेके कर्जन जा टारगेट्स मिलना ही बेसिकली उन ही के हद तीन रीपैकेज कयो वियो हो 1800 अरब रुपए जो तो जाहिरी गाल फिगर बेहद वड़ो है आउं नथो समझा तो उन जो को 1/10 भी इन ते अमल थियो हुंदो पर के हद तीन अंधो मंडो आई कैन से इन ते अमल थिए पियो पर जाहिरी गाल एग्रीकल्चर जो जैसे तीन फंडामेंटल जरूरत हो जैसे तीन केर न समझदो तेसी तीन आउं नथो समझा तो इन पैकेजेस में को खातिर खा को नतीजो निकलो निजामी साहब तुम चवना है इनमें को अंधो मंडो अमल थो जैसे पान से थोड़ा गलत कड़ो अंधो मंडो अमल थो इनमें जो डिटेल मूं आया उन्होंने नौजवान के 50 अरब रुपए जहाँ जरिए कर्ज दासी असें नजर ना आयो कि नौजवान ने कर्ज मिलो हो अस बेजमीन हारन लाए 5 अरब रुपए जहाँ बिना व्याज के कर्ज दासी असें नजर ना आयो कि बिना व्याज के कर्ज ना होजन 13 रुपए फी यूनिट बिजली तुम पा एग्रीकल्चर 13 रुपए यूनिट बिजली कें मिले पे कड़े जरिए आबाद कर मिले पे अर्ज यो है यो खास तौर से यो जेके ट्यूबवेल जा बिजली जा बिल सही वो मन टू बी वेरी ऑनेस्ट पंजाब के फार्मर्स के तो उन्होंने मन क्रिपल कर छो सो यह तीन गाल सही है तो ट्यूबवेल वगैरह इन बिल्कुल भी न अमल थो बाकी कें हद तीन यूथ लोन्स जेके उ अटे में लूण बराबर बल्कि उन घट उन अंधो मंडो अमल थे पो जैसे स्टेट बैंक की जबान में चवन तो रीफाइनेंसिंग स्कीम्स मकसद यो है उनमें विमेन लोन्स जेके 5% थे यूथ लोन अराउंड 7% थे जी मु अर्ज किया तो 1800 अरब रुपया सही एकड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो अमाउंट है उनको 1/10 भी न मुमकिन है तो उनको 1/20th 1/25th थी सके तो को अंधो मंडो अमल थींदो हुजे इन ताईं आउं चई सघां थो पर सही नौजवानन के तहां जी भला परस्कृति में किथे नौजवानन के ज़रई कर्ज़ास इवन 7% ते न ना होजन वो किथे हैं मुखे असां के तो मुखे नजर सिंध में तो नजर कोन था अचन पंजाब में न जरूर डिना होदा थी सके तो न न न न न आउं तागे रिस्पेक्टफुली अर्ज करिया मकसद यो है छकर तो दिसो सही आजकल जाहिरी गाल है जने ता जो स्टेट बैंक जो डिस्काउंट रेट 22% हो जे पो बैंक जो ओवरहेड्स पो बैंक जो इंश्योरेंस यो 27-28% ते वनी जगो जो ताके मार्कअप पे तो उन 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 सो कॉल्ड मार्केट रेट ते के लोन खण जे ला तैयार कोने पर उही सागया पुराना जेके एग्रीकल्चर लोन्स होया पो बैंक मैनेजर्स बैंक इंतजामिया उहे पो माना उन्हनि ई माण्हुनि खे चवनि था यार तव्हां जे घर में को जेकॾहिं 21 खां वठी 45 ईयर जो जॾहिं को ओल्ड हुजे उनजो नालो ॾियो उनजो शनाख्ती कार्ड पर अर्ज़ इहो त इहो बेहद घटि इंफॉर्मेशन आहे जी मूं अर्ज़ कयो त हू 1800 अरब रुपया पिया चवनि पर जेकॾहिं उनमें 30 अरब ऐं असीं पूरे पाकिस्तान जे स्केल जी ॻाल्हि पिया करियूं जेकॾहिं 30-40 अरब थिया हूंदा त इट वुड बी क्वाइट सरप्राइज़िंग इहो सही पोइ त इहो माना त हारन के बस जी हुकूमत सियासी हुकूमत ऐलान कन्दे हुकूमत में हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत में हुआ वो चैलेंजिंग जॉब हुई तदें यो पैकेज अनाउंस कर हाँ वरी चवन था अस पाकिस्तान में जो ज़रात के हथी वठाईंदी नव मंशूर आणूँ पा तो ये जैसे अमल न कर मंशूर आणींदा इनते अमल कंदा यो तो थोड़ो ये समझ में गाल नथी अचे आऊं आऊं थोड़ो थोड़ो
थोड़ो अर्ज करया सही दिसो टू बी ऑनेस्ट मुंजी इवन उन मामले में शिकायत सियासतदानन का वधिक पाकिस्तान जे फार्मर्स खा हुंदी दिसो सही जदे तहां जी सियासत एतरी अनस्टेबल हुजे सियासी मानू विचारो उन के पान के का खबर न हुजे तो उन सूरत में तो मुझे ख्याल में जदे तहां जी सियासत एतरी अनस्टेबल है तो तहां जी जका प्रोफेशनल लीडरशिप है उन के अगे अचन घुर्जे पर बदकिस्मती सा वो जका फार्मर्स जी जका प्रोफेशनल लीडरशिप हालांकि टू बी ऑनेस्ट पंजाब में तहांके एंटरप्रेन्योरियल फार्मर मिलदो सिंध में तहांके एंटरप्रेन्योरियल का घट सो कॉल्ड नाम लिहाज प्रोग्रेसिव फार्मर मिलदो तो असल में जेसी ताई फार्मर्स जो पेंजो इफेक्टिव लॉबीज अगते नहीं दियो उए खुद पॉलिसी मैकेनिज्म उए खुद प्रपोज कन तो तेसी ताई तहांके एग्रीकल्चर में कें भी इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखन एकड़ो मुझे ख्याल में एकड़ो उन में बना वो बबरन का बेर घुरन वाली गाल है सो मुझो तहांके अर्ज यो हुंदो बीइंग अ वेरी रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन तवा फार्मर्स जेके न जमींदार जेके न उनन के थोड़ी पॉलिसी एडवोकेसी वगैरह तो उए छा दिसो न असो टोटल सिस्टम डिसफंक्शनल है टोटल 2010 जे मीहन में असा दिठो तो सिंध जी केड़ी तबाही थी अज भी उसे सागया वर्ल्ड बैंक का रेजिलियंस के नाले में उ पैसा उगन उन पुराने प्रोजेक्ट लगन पाया तो एग्रीकल्चर जो मसलो इंतहाई गंभीर है जैसी तीन मरीज मीन्स जमींदार खुद इफेक्टिव डिमांड न कद तेसी तीन का रिजल्ट ना इंदी मतलब हाँ हिंसर सही फर्टिलइजर जो चुनाव तो सही पंज सैकड़ो महंगो थी वो भाई इफेक्टिवली 3200 रुपये जो यूरिया की सरकारी कीमत वो हूं ही मार्केट में 6000 रुपया विकाणू पे तो मकसद यो है तो खुद फार्मर्स के घुर्जे तो इफेक्टिव मैकेनिज्म डिमांड कन जेका भी सरकार सब्सिडी दे थी वो डायरेक्ट फार्मर के वजन घुर्जे न तो को इंडस्ट्री के यो सन यो तो खैर इनते गाल बोल थे पे काफी पॉलिसी मेकर्स गाल कन पया तो सब्सिडी डायरेक्ट दिनी वने इनमें काफी इनिशिएटिव अचन पाया पर गाल सजी आया तो पाकिस्तान ज़रात पाकिस्तान जो 20% प्लस 22-23% जीडीपी के दे तो उनते ही एडी गैर संजीदगी समझो था यो चलो अनाउंसमेंट जी हद तक तो ठीक है पर एडे एडे अहम सेक्टर के जैसा पाकिस्तान की 50% का मथे लेबर फोर्स इनमें शमूलियत करे थे इनकम करे थी ये तो वही रही जो सिलसिलो जारी रो सही वो बिल्कुल तहांजी गाल सही है मकसद चवण जो यो है त आऊं दिसो अगेन सियासत बेसिकली पब्लिक सर्विस जो नालो है असांके अल्टीमेटली जेके भी ये डिमांड्स हैं वे सियासतदानन का खण घुर्जन पर जी त असांजी सियासत इज वेरी मेसी इज वेरी अनस्टेबल तहां जेको डिमांड करियो इट्स वेरी फेयर डिमांड पर या डिमांड बेसिकली फार्मर्स मां अचन घुर्जे अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स की नजर में यूरिया की बोरी के 200 रुपये सस्तो करो इन का सवा अगते उन डिमांड को इरिगेशन ड्रेनेज सिस्टम में सही ह्यूज प्रॉब्लम खुदा न करे अज तुम सखर बैराज वेही रहे तो कड़ो मैकेनिज्म को मैकेनिज्म को सिंध वरी रेगिस्तान में वापस हली वेंदी पर उन किस्म की अवेयरनेस इतने असाडे आए बिल्कुल को 80-90% जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन थे तो वो डेट सर्विसिंग में वे तो मकसद चवण जो यो है यो अड़े किस्म जो पॉलिसी ऑप्शन्स फार्मर्स के तरफा अचन घुर्जन मुझो पेंो जाती तजुर्बो यो बुधाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी डोनर कम्युनिटी फार्मर्स से वही खुशी से कम कंदी पर मुसीबत यह है फार्मर्स में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस को तेज कर हर वारे पा एक्सपेक्ट करूं तो सियासतदान जो ऐलान कहती नेकनेती कहे पर टू बी वेरी ऑनेस्ट उनमें एक्सपेक्ट कर अमल जो अस मुल्क की इंदड़ पह साल में सियासत नजर अचे थी मुख्य को लगे तो अड़े किस्म की या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन निजामी साहब आखिरी सवाल में मुझे यो हों फार्मर जैसे मुतहद ना है ऑर्गनइज ना है उन तरफ आवाज़ नी अचे पर उनके फोरम तो मौजूद हैं तुम सिंध में मथे जैसे भी कमेटीज ठहन थियं नेगोशिएट थे तो आबादगार जहाँ नुमाइंदा उतने मौजूद हूँ वा वा नुमाइंदा मौजूद हूँ पर छो वे इम्प्लीमेंट वह शै छो नी थे जो डिमांड कनता या फार्मर की जो प्रो फार्मर पॉलिसियन जहाँ फैसला या उन इम्प्लीमेंटेशन छो ना थी सकन सही दिसो जी अर्ज किया मकसद यो तो फार्मर्स की अनफॉर्चुनेटली ओड़े किस्म की बदकिस्मती से वो ओरिएंटेशन को
सिंध वारो फार्मर तो प्योरली इलिटिस्ट काइंड ऑफ फार्मर है, हालांकि सब असाया दोस्त है। पंजाब जो फार्मर एंटरप्रेन्योरियल है, तेजे करे दिसो पंजाब में फार्मर्स जा मुजाहिरा डाटा इफेक्टिव थन था। सिंध में ताके फार्मर्स जा ओड़े किस्म जा मुजाहिरा कोंदा मिलन, आबादगार बोर्ड थियो, सिंध चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर थियो, तो उवे खुद उवे जेके पॉलिटिकल गवर्नमेंट सन उवे उनन जो खुद की हिस्सो वन, तो उवे उन्हें जलाए पो जगह चूज करनु तो पहले तो पॉलिटिकल मफाद के डिफेंड करनु है या फार्मर के मफाद के डिफेंड करनु है, तो वो पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन के मफाद के डिफेंड करें तो मुझे ख्याल में जी पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स वेरी इफेक्टिव हैं, वकील वेरी इफेक्टिव हैं, ये मेंबर्स इन जो बॉडीज हैं, तो मुझे ख्याल में जगह सिंध में पाकिस्तान में खैर सिंध में थोड़ा अनरियलिस्टिक थी दो, पर जगह पाकिस्तान में फार्मर्स जो मेंबरशिप बेस्ड पर एकड़ अड़े किस्म जो जैसे सिविल सोसाइटी यूजर ऑर्गेनाइजेशन हुजन, तो ये जो शूं पान तीन सोचूं पे ख्वाब ये शूं इफेक्टिवली डिमांड कर सकन थी, पर जो करंट फार्मर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है विथ ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू देम आउं नो समझा तो उ इफेक्टिव फार्मर्स के मफाद की पोलिटिकल पॉलिसी फोरम्स से वेही गाल कंदा। ठीक सर, सर वरी महरबानी निजामानी साहब ताजी तुम जॉइन किया, वेरी इफेक्टिवली तीन गाल पहुंचाई है दलील से। नजरीन पैकेज अनाउंस थन था, अमल नो थे, नून लीग पैं पैकेज अनाउंस किया 1800 अरब रुपये जो, शहबाज शरीफ साहब अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए अनाउंस किया, उनते अमल दरामद तुझे सामू है, असें किथे बल अमल दरामद नजर ना आया, हाँ मंशूर जो ऐलान कर वन पाया नून लीग जो मंशूर हों उन केतो अमल वो तुम समझी सो हि सूरत पाकिस्तान अहम शोबो जो पाकिस्तान की इनकम में हिस्सों विजे तो उनको लेबर फोर्स 50% लेबर फोर्स उन शामिल है, उनके फिलहाल कुछ न तो मिले ये पैकेज के जाए वायदा वायदा रह। नाजिन अजो के प्रोग्राम में एतरो ही, मोहसिन बबर के इजाज़त दींदा सदाई गड़।